संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। अभी पहला प्रश्न है आपका, किसी संख्या के किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 2/3 का 3/4 का अगर 3/4 का 3/4 का अगर 15 है, चौथाई का 3/4 अगर 15 है, अगर 15 है, ठीक है, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन रहेगा आपके सामने ए बी सी और डी, ये आपको चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे, 12, 18, 36, 42, ठीक है, चार ऑप्शन है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ कह रहा है ना किसी संख्या का, वह संख्या क्या है, संख्या अज्ञात है, तो अज्ञात संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, संख्या को क्या मान लिए x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या का 5/6 x है ना, संख्या का 5/6 के 2/3 3/4 15 है तो क्या मिलता है हमको, ये सब मतलब हुआ गुना है, क्या है, x है गुना है, 5/6 है गुना है, 2/3 है गुना है, 3/4 है बराबर 15 है। अब ये कट गया 3 से, ये कट गया 2 के 4 से, आई कट गया 5 के 15 से, बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता है नीचे, अभी हो गया 6 × 2 = 12, 12 × 3 हो गया 36, इतना आसान तो है, 6 × 2 = 12, ये दोनों इधर आके गुना हो जाएगा, ऐसे कर दे 3, ये दोनों इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा 6 × 2, तो 3 × 6 = 36, ऑप्शन नंबर सी सही है, 36 हुआ इसका जवाब। अब अगला प्रश्न जो है उसको आप सभी देखें, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपका, प्रश्न संख्या 2 आज का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है, दोनों अंकों का योग 8 है, ठीक है, दोनों अंकों का योग 8 है और उसका गुणनफल 15 है, और उसका गुणनफल 15 है। देखिए योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, 2 अंकों की संख्या निकालना है, वह संख्या है, वह संख्या है, ऑप्शन रहेगा आपके सामने 1, 2, 3 और 4, चार ऑप्शन रहेंगे,
35, 53, 36, 63 यहाँ पे और में रहेगा या 73 या 37, 53 57 या 75, ठीक है, और करके रहेगा, जवाब देना होगा। तो इसको कैसे बनाएं? दो अंकों की संख्या, दोनों के अंकों का योग 8 है और उनका गुणनफल 15 है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैनुअली बनाते हैं, फिर ट्रिक में भी बनाया जा सकता है। पहले दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या मान लेते हैं हम लोग एक्स वाई है, एक्स वाई संख्या है, अंकों का योग क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका, ये प्रश्न जो है तीन तरीके से बनेगा। पहला तरीका ये है एक्स वाई पे बनाते हैं, x प्लस वाई 8 है तो y इक्वल 8 माइनस एक्स होगा, इक्वेशन मान लीजिए इसको 1, और गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई लेते हैं ना, दो अंकों की संख्या हम लोग लेते हैं 10x प्लस y, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर है कितना, 15, तो एक्स वाई बराबर 15, तो y बराबर 15/x। अब इसको इक्वेशन दो कर दीजिए, अब ऑप्शन पे आ जाइए, दोनों इक्वेशन को वेरीफाई जो करेगा वही सही होगा। तो x का 3 मानते हैं, y का 5, x का 3 y का 5, तो 3 और प्लस 5 8, और x का 3 मानते हैं y का 5, तो x का जब हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 × 15 y का 5 आ जाता है, तो ऑप्शन एक सही है। अब इसको भी जांच लीजिए, 3 रखिए और 6 × 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 5 × 7 = 12 हो जाएगा, कैंसिल, तो यही सही है और दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। ऐसे सवालों को आप जो है ऑप्शन से बना सकते हैं, इसके बाद इसको सोल्यूशन से भी बना सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों का एक साइड बराबर है, दूसरा साइड बराबर कर दीजिए, 8 − x = 15/x, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x − x² = 15 हो जाएगा। अब इसमें इसको उधर भेजिएगा तो x² − 8x + 15 = 0 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करके फैक्टर निकाल लेना है, यहाँ पर माइनस 8 है, ठीक है, तो 5 × 3 = 8 और 5 × 3 = 15, इसका फैक्टर कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, x² − 5x − 3x + 15 = 0, गुणनखंड विधि है ये, फैक्टर करके, और x का मूल जो निकालने वाला 10 क्लास में होता है ना वही है, x − 3 = 0, x = 5 और 3 आ गया, तो 5 और 3 आ गया तो 50 = 53 होगा, नहीं तो 35 होगा, क्योंकि इकाई दहाई का जो है इस सवाल में देखिए क्या किया है, यहाँ यह नहीं दिया है कि इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है, इस प्रश्न में ये नहीं पता है हम लोगों को इकाई बड़ा है कि दहाई बड़ा है, तो 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 और 5 कोई भी, यानी कि ऑप्शन एक सही होगा, 5, 3 या 3, 5, किसी को इकाई पर रखिएगा, दहाई पर रखिएगा तो पता चल जाएगा, या एक्स वाई का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम लोग अपने से माने हैं, कोई एक्स वाई वाई एक्स भी माना जा सकता था, ठीक है। अब इसके बाद एक और प्रश्न कर लेते हैं, देखिए प्रश्न है कि जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो घटकर वह अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है, प्रश्न रहेगा आपका यहाँ पे 3 नंबर, जब किसी संख्या से 32 घटाते हैं, घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 60% हो जाती है,
अपनी 60% हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या है, ऑप्शन आपको रहेगा 1, 2, 3 और 4, चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास। 40, 60, 80, 100, 40, 60, 80, 100, इसमें से सही जवाब कौन सा है इसका पता लगाना है। तो इसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना होगा इस प्रश्न को। चौक हो गया है खत्म, दूसरा ले लिया जाए। देखिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या कहता है? जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी 60% रह जाती है। ठीक है, अपनी 60% हो जाती है। संख्या क्या है? तो जो लास्ट में रहता है उसी को मानते हैं। माना संख्या जो नहीं मालूम है वो x है, मान लीजिए संख्या x है। अब x में से 32 घटाते हैं तो x का 60% बचता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 32 बराबर x का 60% बचा। तो सिंपल सा है, x माइनस 32 बराबर 60x, अब बचता में 100 है ना, ये कट गया ये कट गया, 10 से इधर कर दीजिए गुना, 10x माइनस 320 बराबर 6x, 6x इधर आया माइनस हुआ, 10x माइनस 6x बराबर 320 इधर माइनस में इधर आया प्लस में। अब यहाँ देखिए 10 में 6 हो गया, 4x बराबर 320, 4 × 8 = 32, 80, x बराबर आ गया आपका 80, x बराबर आ गया 80, यानी कि 80 ऑप्शन नंबर 3। अब ध्यान से समझिए एक बार और इस प्रश्न को। जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x, संख्या को x मान लेते हैं। प्रश्न से 32 घटाते हैं x में से तो x का 60% बचता है। अब इसको सॉल्व को करना है, सिंप्लीफाई, x माइनस 32, 60% हटेगा नीचे में 100 आएगा, परसेंटेज हट गया तो 60 × x / 100, 0 0 कटा, 10 से इधर गुना किए, 10 से गुना किए तो 10x - 320 बराबर 6x, 6x बराबर में है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 6x, माइनस 320 है उधर जाएगा तो प्लस में। अब 10 में 6 हो गया 4, 4, 4, 320 को 4 से भाग करते हैं तो 80, यही है आपका अभीष्ट जवाब, जो आंसर चाहिए ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 नंबर सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में 3 से आगे या जो भी है संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण MCQs को अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्लास फ्री में मिलेंगे पर डे